told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Hello everyone, कैसे हूँ आप सभी? वेलकम बैक टू माई चैनल. और आप सभी का स्वागत है मेरी आज के इस वीडियो में. तो वीडियो शुरू किया है मैंने शाम से, तो मैं आ गई हूँ किचन में, बनाने लगी हूँ मक्खन. खाने की तैयारी भी आधी मैंने कर ली है, थोड़ी सी बाकी है. तो बस यहाँ मक्खन बना रही हूँ मैं मिक्सी में, जो आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ. मिक्सी में बहुत ही जल्दी से फटाफट से पीस करके तैयार हो जाएगा. और उसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ पनीर. तो किस तरह से मक्खन से आप पनीर बना सकते हैं, वहीं आपके साथ में आज मैं शेयर करूंगी. तो यहाँ देखिए, जो मलाई हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, बस उसी को हमें एक दिन पहले फ्रीज़र में से फ्रीज में निकाल देना है. और उसके बाद में जब आपको मक्खन बनाना है, तभी आपको अच्छे से उसे पीस करके तैयार कर देना है. और यहाँ देखिए, सारी मलाई पीस लेने के बाद में कुछ इस तरह से दूध सेपरेट हो जाता है मक्खन में से. तो बस ये जो दूध है, उसी में से हम यहाँ पनीर बनाएंगे. और मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि इस तरह से जो दूध निकल जाता है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसे फेंकिएगा मत. हमेशा उसमें से आप पनीर बना सकते हैं. अगर आप मक्खन में दही जमा करते हैं तो उस दही, उसमें से जो छाछ बनती है, उससे भी आप काफ़ी सारी रेसिपी बना सकते हैं. कढ़ी बना सकते हैं, हांडवा बना सकते हैं, जैसे ठोकला, हांडवा, बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं. तो बस यहाँ देखिए, ये जो दूध है उसे मैंने अलग से एक बर्तन में ले लिया है. हालांकि मेरे हाथ में कुकर आ चुका था, तो सोचा अभी कुकर ही हाथ में लग गया है तो उसी में बना लेते हैं. तो हाथ से ये सारा का सारा पनीर जो है मैंने अच्छे से निकाल दिया है. उसमें से जितना भी जो पहला वाला जो दूध है वो हमें सिर्फ लेना है. और उसके बाद में जो मक्खन जो रहता है, उसे 2-3 पानी से उसे अच्छे से आप वॉश कर दीजिए. और उसके बाद में उसका घी बना दीजिए. तो देखिए, यहाँ मक्खन को वॉश कर दिया है और उसे घी बनाने के लिए रख दिया है. और साथ में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है जो मक्खन से निकला हुआ है. तो उसमें डालने के लिए यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना विनेगर लिया है, कुकिंग विनेगर है. और उसमें 2 से 3 गुना पानी मिला देंगे. और दूध को हम अच्छे से गर्म होने देंगे. और दूध जैसे ही अच्छे से उबल जाए, गर्म हो जाए, तब हाथ से हिलाते हुए हम इस विनेगर वाला जो पानी है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे. और जैसे ही दूध फट जाता है, पनीर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो बस उतना ही हमें विनेगर उसमें ऐड करना है. तो उसके बाद में हम ज़्यादा विनेगर ऐड नहीं करेंगे. तो यहाँ देखिए, पनीर अच्छे से निकल आया है, तो उसे मैंने छन्नी में निकाल दिया है. और अब उसे हम अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर देंगे. और ये जो नीचे जो पानी निकला है, तो बस उसी को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे. उसमें से हम आटा लगा सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, सब्जी की ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं. और ये जो छन्नी में पनीर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में हम फ्रीज में उसे सेट करने रख देंगे. तो चलिए, फिर मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग. हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल. और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में. तो ये वीडियो कल का कंटिन्यूएशन है. कल मैंने मक्खन बनाया, लेकिन उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया. फिर कुछ ऐसे काम थे जो मुझे निपटाने बहुत ही ज़रूरी थे, तो बस उसी काम से जरा बाहर चली गई थी. तो इस वीडियो को मैं अभी से कंटिन्यू करती हूँ. सुबह का देखिए, चाय नाश्ता हो चुका है और आज फिर मुझे बाहर जाना है. तो बस उसी के लिए सुबह मैं खाना बना रही हूँ, पाव भाजी, क्योंकि वो झटपट भी बन जाएगा और रोटी वगैरह बनाने की झंझट भी नहीं रहेगी. और बेटी का तो कॉलेज भी है, स्कूल ही याद आता है मुझे, कॉलेज भी है. और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश होने वाली है, लेकिन धूप भी निकल रही है, बारिश जैसा भी हो रहा है. बस पता नहीं चल रहा है माहौल कैसा है, बस ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. तो चलिए, अब मुझे नहाना भी बाकी है, लेकिन मैं अभी खाना बनाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद में जाऊँगी नहाने के लिए. तो चलिए, पाव भाजी बनाने के लिए मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, 2-4 चीज़ें ही हैं, बस उसी को यूज़ करके मैं फटाफट से बनाऊँगी. और ये पाव भाजी बहुत ही अच्छी सी बनती है.
आप कभी आपके पास बहुत सारी ढेर सारी सब्जियां नहीं हैं तो आप इस तरह से आप डाल करके भी पाव भाजी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने क्या क्या तैयारी की है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। और हाँ गाइस, मुझे चक्के चालू करने थी और उसका मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने सारी प्रिपरेशन सारी तैयारी करके रखी है, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने आटा चक्की भी निकाल दी है, गेहूँ भी निकाल दिए हैं और ये है मैं कल ही लेके आई हूँ। इसमें है धनिया जो गांव से आया है, बस उसको भी मुझे पीसना है। और बाय द वे मैंने ओवन को यहाँ शिफ्ट कर दिया है प्लेटफॉर्म पे और अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। तो उसके लिए मैंने तैयारी क्या क्या की है, तो यहाँ देखिए मैंने प्याज ले लिए हैं, 2-3 प्याज है, 2-4 टमाटर हैं, 1 कैप्सिकम है और लहसुन को मैंने छील के रखा है, तो बहुत फटाफट तैयार हो जाएगा। और ये है कल का घी जिसे मैंने थोड़ा सा ही बना करके मुझे निकलना था, तो मैंने ऐसे ही आधा गर्म करके छोड़ दिया उसको। आलू भी यहाँ मैंने पकने के लिए छोड़ दिए हैं, अब तो कुकर भी हो गया है ठंडा। तो आलू लिए हैं मैंने 3 से 4, उसे भी मैं अभी निकालूँगी तो तैयारी करने के लिए। आम भी आ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं हाफूस आम है ये, जिसे पानी में भिगोने के लिए मैंने अभी फिलहाल के लिए रख दिया है। और चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बर्तन अभी बाकी हैं, तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। सबसे पहले यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ पाव भाजी, क्योंकि कल का वीडियो मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ काम था और बाहर जाना था और मेरे बिना वो काम होने वाला नहीं था, तो मुझे जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो बस इस वीडियो को सुबह से फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं बनाने लगी हूँ पाव भाजी क्योंकि जाना है मुझे आज बाहर। और देखिए पाव भाजी बनाने लगी हूँ और अचानक से याद आया कि मटर तो मैंने निकाले ही नहीं है, तो चलिए मटर भी निकाल देते हैं फ्रीज़र से। तो यहाँ ये जो बटर मैंने दिखाया आपको वो भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, तो बस उसी को भी मैंने निकाल दिया है। और ये है फ्रोज़न मटर जो किस तरह से हम मटर को स्टोर करते हैं, वो आपके साथ में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक रख दूँगी, आप जाके चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा वो वीडियो को भी। तो यहाँ देखिए जितने भी मटर मुझे पाव भाजी में चाहिए, बस मैं थोड़े से मटर निकाल के ले लूँगी और उसे थोड़े से नॉर्मल पानी में उसे रख दूँगी जिससे ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए क्योंकि अभी तो काफ़ी ठंडे हैं। और यहाँ कैप्सिकम और जो लहसुन मैंने चॉपर में लिया है उसे मैं छोटे टुकड़ों में कट कर दूँगी। और ये चॉपर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है और हाथों से भी बहुत ही फटाफट से पीस जाता है। और इसमें दो तरह की इसमें गियर है, एक गियर जब बड़े टुकड़े हैं तभी फर्स्ट गियर में आप इसे थोड़ा सा चला लीजिए और उसके बाद में थोड़े से छोटे टुकड़े हो जाए उसके बाद में आप दूसरे गियर में डाल करके उसे पीस के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कैप्सिकम और लहसुन को दोनों को मैंने साथ में पीस लिया है और अब मैं पीसने लगी हूँ प्याज। और प्याज पीस जाने के बाद में मैं कर दूँगी भाजी बनाने की तैयारी। तो देखिए यहाँ आपको मैं दिखा देती हूँ, ये जो फर्स्ट गियर है उसमें डाल देने के बाद में थोड़ा सा चला लीजिए जिससे आपको जिससे ये जो हार्ड वेजिटेबल कोई भी हार्ड वेजिटेबल रहता है ना वो अच्छे से थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कट हो जाता है। उसके बाद में दूसरे गियर में डाल देने के बाद में चला लीजिए जिससे जितना भी आपको फाइन चाहिए जितना भी बारीक चाहिए उतना आप चला दीजिए, तो आपको जितना बारीक चाहिए उस हिसाब से आपको मिल जाता है। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट में ही प्याज देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो चलिए भाजी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, तेल और बटर दोनों मिक्स कर रही हूँ मैं। आप तेल और घी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बटर भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप यहाँ कॉम्बाइन कर सकते हैं या फिर सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए तेल और बटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं, तो उसमें डाल दिया है थोड़ा सा मैंने चुटकी भर हींग और 1/4 चम्मच जितनी हल्दी और सबसे पहले डाल दिया है लहसुन को और कैप्सिकम दोनों पीस साथ में पीसे थे उसे डाल दिया है। और ये दोनों अच्छे से सौते हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ टमाटर को भी पीस के तैयार कर दूँगी। और
दो से तीन सेकंड के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने बारीक टुकड़ों में कट किए हैं, उसे डाल देंगे और उसे अच्छे से सौते होने देंगे दो से तीन सेकंड के लिए। उसके बाद में हम करेंगे इसमें मसाले। तो मसालों में यहाँ डाला है मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर 3 चम्मच और पाव भाजी का मसाला डाला है मैंने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला करके इसे हम पकाएंगे। और यहाँ देखो टमाटर भी बहुत अच्छे से फाइन पीस चुके हैं। पाव भाजी में जितनी फाइन वेजिटेबल हो उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए प्याज जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, पीस चुके हैं। तो बस यहाँ टमाटर जो पीस करके तैयार किए थे उसे भी डाल देना है। और उसके बाद में मैंने डाल दिया है स्वाद के हिसाब से नमक। और नमक डाल देने के बाद में टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ता है और उसे हम पकने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और टमाटर और प्याज और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाएँ और इस तरह से पैन में लगना शुरू हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है। और उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप जितना पानी और अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पानी उबल रहा है तब तक मैं यहाँ जो मटर है वो भी मैं ये उबलते हुए पानी में साथ में ही डाल रही हूँ। वैसे तो हल्की सी मटर बॉईल है लेकिन मैं पहले ही मिला रही हूँ पाव भाजी में। लास्ट में भी आप मिला सकते हैं अगर आप खड़ी मटर पसंद करते हैं तो आप बाद में मिलाइएगा, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं उस वजह से मैंने पहले मिला दिया है। और 2 से 3 सेकेंड अच्छे से डाल मिक्स होने के बाद में डाल देंगे हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे उसे मैंने मैशर से मैश कर दिया है और मिक्स कर दिया है भाजी में। थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है, थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया है। और अब हम इस भाजी को पकने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पाव को भी कट करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाजी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, डन हो चुकी है। और बहुत ही कम सब्जियों के साथ में ये भाजी मैंने बनाई है और ये भाजी बहुत ही स्वाद बनती है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसमें इतनी कम सब्जियां मैंने डाली हैं। सब्जियां है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो, सिर्फ प्याज टमाटर और आलू और थोड़े से मटर डाले हैं मैंने और कैप्सिकम। और लास्ट में हम इसमें मिला देंगे ढेर सारा धनिया और भाजी हो चुकी है डन। तो चलिए अब फटाफट से पाव को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ तवा गरम होते ही मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बटर और बटर के साथ में थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला कश्मीरी मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है और पाव को इसमें हम अच्छे से सेक के तैयार कर लेंगे। और लंच बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं थाली। वैसे तो मोस्टली डिनर में खाया जाता है पाव भाजी, लेकिन आज हमारे घर में तो लंच में ही है क्योंकि जब मुझे कहीं ऐसे बाहर जाना रहता है और जल्दी रहता है तो मैं इस तरह से क्विक वाला जो लंच रहता है वहीं बना लेती हूँ। और बच्चों को तो इसमें बहुत ही मज़ा आ जाती है क्योंकि बच्चों को तो वैसे ही फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। तो चलिए यहाँ पाव भाजी हो चुकी है डन और साथ में ही मैंगो भी कट कर दी है। थोड़ा सा इसमें मैंगो का कॉम्बिनेशन वियर्ड लगता है लेकिन आजकल तो कुछ भी चल सकता है क्योंकि गर्मी के दिनों में मैंगो तो किसी भी वेज में खाई जाती है। तो चलिए काम सारा मेरा ख़त्म हो चुका है, लंच हमारा सबका हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ मम्मी पापा को मिलने के लिए। तैयार हो चुकी हूँ तो बस अब मैं जाऊँगी उनको मिलने के लिए। बस मैं अभी जा रही हूँ अपने मम्मी को और डैडी को मिलने के लिए। तो ये देखो मैंने बिंदी कहाँ लगाई है, ये
यहाँ मैंने घड़ी ले ली है। चलिए मैं उन मम्मी पापा को मिलके आ चुकी हूँ घर पे, और बेटे की ऑफिस थी तो वो नहीं आया था, और हस्बैंड की भी ऑफिस थी तो वो भी नहीं आए थे। तो आते समय मैं इन दोनों के लिए लेकर के आई हूँ पेस्ट्री, दो चॉकलेट फ्लेवर में है और एक ब्लूबेरी है। तो चलिए सुबह मैंने आपको पाव भाजी खिलाई और अभी मैं खिला रही हूँ पेस्ट्री, मुँह कर दीजिए मीठा। तो चलिए इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के अंत तक। शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।